नमः शिवाय मंत्र के जपा जाप से क्या आत्मा शुद्ध हो सकती है? देखो, नमः शिवाय मंत्र से मंत्र आप कोई से भी शुरुआत कर सकते हैं। मंत्र के अंदर अपनी पूरी ताकत आपको लगानी होती है। बात को याद रखिएगा, आप जब नमः शिवाय कहें, देखा श्वास लेते हुए नमः और छोड़ते हुए शिवाय, ये है अजपा जाप। नमः शिवाय कहें तो याद रखिए, केवल आप एक मंत्र ही नहीं जप रहे हैं, खुद को शिव रूप जान रहे हैं, ये याद रखिएगा। मंत्र को मैकेनिकली रिसाइट करना मेरा उसमें नहीं आता, मैं बार बार ये बोलता हूं, मंत्र को जागृत करो, राइट, समझो मंत्र के अर्थ में उतर कर फिर उसके बारे में उसको चैंट करोगे तो वो अपना इफेक्ट मल्टीपल टाइम देगा। तो नमः शिवाय, मैं शिवरूप हूँ, मैं एक जागृत आत्मा हूँ। आपके अंदर अवेकनिंग घटित होगी। मुक्ति बाद की बात है, पहले अब है अवेकनिंग, जागृति आ रही है। क्या आपके बिहेवियर में कोई चेंजेस आया है? मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी मंत्र जपते हुए सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देके देखिए, क्या अगर आपने उसको सही ढंग से जपा है तो दो से तीन हफ्ते के अंदर आपको एक डिसेंट चेंज अपने भीतर फील हो जाएगा, आपका ऑरा मजबूत होने लगेगा। अगर किसी भी मंत्र के जाप से ऐसा हो रहा है, समझ लिए वो जाप सक्सेसफुल है, ठीक है। आपका ऑरा मजबूत हो रहा है और आपका सुख और दुख में समभाव रहने लगेगा, ठीक है। इसी तरह से आपके अंदर एक न्यूट्रल वाला फीलिंग आने लगेगा, चीजें आपको तकलीफ नहीं देंगी, मन में शांति रहने लगेगी, एक सहज आनंद की अनुभूति होने लगेगी और जिस मकसद के लिए आपने मंत्र जपा था वो मंत्र पूरा मकसद पूरा होता हुआ आपको फील होने लगेगा, अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, विल पावर बढ़ने लगेगी। अगर ये हो रहा है तो मंत्र अपना काम कर रहा है, बस आपके अंदर ये अवेकनिंग हो रही है, ये बड़ी बात है। अब रही बात कि कैसे मुक्ति होगी, व्हाई नॉट, मुक्ति का अर्थ क्या है? सबसे पहला अर्थ है अवेकनिंग। मुक्ति का मतलब ऐसे नहीं कि एकदम मरने के बाद बस आर पार हो गए, जीते जी अवेकनिंग घटित हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अवेकनिंग होगी, जागृति आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो अवेकनिंग पहली चीज है, उसके बाद मुक्ति हो ही जाएगी। सभी से मेरा निवेदन है, बात को समझ लिया करें। जो लोग बाकी लोग भी वीडियोस देखते हैं तो उनके से भी निवेदन है कि पूरी बात को समझें और वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के क्वेश्चन भी पढ़ लिया करें, सुन लिया करें, क्योंकि बात कही जाती है सबके लिए, किसी एक व्यक्ति को ही मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। जब बात है सबके लिए है तो फिर सबके लिए है, प्लीज सुने सुन लिया करें और दूसरे के क्वेश्चन के लिए भी अप्रिशिएट करें कि हाँ इसका भी जवाब आपके लिए मायने रखता है। मेरी बात क्लियर? राइट, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक कर दें,